बांग्लादेश में ऑलरेडी 2023-24 सेशन की एडमिशन शुरू हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, वो है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है बांग्लादेश का और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरूपा दास फ्रॉम प्रांतिक एडुकेयर। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स बांग्लादेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन सा है या फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बांग्लादेश में पढ़ने का, तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपका 10th और 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड चाहिए। नंबर सेकंड पे आता है आपका जो नीट का स्कोर कार्ड है वो चाहिए। नंबर थर्ड पे आता है आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड। बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगता है। अभी हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी के पास जाना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंसल्टेंसीज ऐसे हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊं कि स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन फिर भी जो एलिजिबिलिटी लिस्ट निकलता है वहां पे स्टूडेंट का नाम है ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट का एडमिशन हुआ ही नहीं था। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने कंसल्टेंसी को देख रहे हो या फिर किसी कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो, तो ये ध्यान से चूज करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब अपने हिसाब से कॉलेज चूज कर सकते हो। देखिए बांग्लादेश में टोटल 68 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन उनमें से सारे मेडिकल कॉलेज का FMG पासिंग रेशियो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो FMG का ये पासिंग रेट इतना अच्छा ना होने का एक मेन जो कारण है वो हो सकता है कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं हो, या फिर ये हो सकता है कि कॉलेज का जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छा नहीं हो। तो ये बहुत सारे कारण रहते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप अपना कॉलेज चूज कर रहे हो तो ये ज़रूर देख ले कि NMC, WHO, BMDC से अप्रूव्ड हो और FMG का जो पासिंग रेट हो वो अच्छा हो। इसके बाद हम आपको कॉलेज सजेस्ट करते हैं जो कि NMC, WHO, BMDC से अप्रूव्ड हो और FMG पासिंग रेट भी बहुत हाई हो। आपके बजट के अनुसार हम आपको कॉलेज सजेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको बात बता के रखूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स एजुकेशनल लोन के थ्रू पढ़ना चाहता है तो हम वो भी करवाते हैं। ये खुशी की बात है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशनल लोन करवाए हैं और ऑलरेडी वो अभी बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। एक अच्छा कॉलेज चूज करने के बाद आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंसी के पास देना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी कॉलेज को भेजते हैं ये जानने के लिए कि आप उस कॉलेज में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपका 10th और 12th का जो मार्कशीट है और आपका जो सर्टिफिकेट है और एडमिट कार्ड और जो नीट का स्कोर कार्ड है वो। किसी किसी कॉलेज में पासपोर्ट लगता है। कॉलेज सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक प्रोफेशनल एडमिशन लेटर भेजता है। इसके बाद वही कॉलेज 7 से 10 दिन का आपको टाइम देता है सीट बुकिंग के लिए, जो अमाउंट है वो पे करने के लिए। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपको एक कंफर्मेशन लेटर भी मिलता है। और इसके बाद का जो काम है जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मिनिस्ट्री अप्रूवल हो गया एक्सेट्रा, ये सारा काम अब हमारे ऊपर है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट जो एडमिशन प्रोसेस है वो है DGME अपना पोर्टल ओपन करता है फॉर्म फिलअप के लिए। यहाँ पे आपको अपना जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करना पड़ता है सॉफ्ट कॉपी, साथ में $100 का TT कॉपी भी सबमिट करना पड़ता है। $100 मतलब अभी करेंटली इंडियन रुपीस में बोले तो 8,400। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस भी हम ही करवाते हैं। और उसके बाद ये सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद DGME अपना जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो रिलीज करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट का नाम होता है।
नाम एक बार आने के बाद ही आपको तुरंत वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन घबराइए मत, हम हैं यहाँ पे आपके मदद करने के लिए, हम ही आपके लिए वीजा अप्लाई कर देंगे। तो यहीं पे एडमिशन का सारा प्रोसेस खत्म होता है। अभी बस आपको DGME से क्लास स्टार्टिंग का डेट रिलीज होने का वेट करना है। हम प्रांतिक एडुकेयर हमारे स्टूडेंट्स को एक या दो दिन पहले ही हॉस्टल तक पहुंचा देते हैं और साथ में उनके कॉलेज रिलेटेड काम में भी पूरी की पूरी हम उनको मदद करते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके और वो टेंशन फ्री होके अपना क्लास ज्वाइन कर सके। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन बांग्लादेश। साथ में आपको मैं ये भी बता देती हूँ, बांग्लादेश का 2023-24 सेशन का एडमिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत सारे कॉलेज का सीट्स फुल हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में अभी भी सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आप अपना सीट बुक करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज ही कॉन्टैक्ट करें, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। और अगर आप हमारे ऑफिस भी विजिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिस एड्रेस है 224 जोधपुर गार्डन, जादवपुर, ऑपोजिट ऑफ साउथ सिटी मॉल, कोलकाता 745। थैंक यू।